सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल कोयल्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आज है दुर्गा पूजा का लास्ट दिन और आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा मेरे सभी फॉलोअर्स को और जो लोग नॉन फॉलोअर्स हैं उन लोगों को भी। तो आज बनाएंगे एक दुर्गा फेस, जो कि वॉल हैंगिंग का हिसाब से भी आप रख सकते हो या फिर इसका ऊपर आप पूजा भी कर सकते हो, इसको अपना पूजा जगह पर रख के। तो पहले इस तरीके का एक एक कार्डबोर्ड का ऊपर इस तरीके का एक फेस बना लिए हैं, पेन का मदद से ड्राॅइंग कर लिए हैं। उसके ऊपर डो लेके इस तरीके से फेस का ऊपर, जिस तरीके से फेस है सेम उसी तरीके से फेस का ऊपर एक स्टेप दे दिए हैं। और उसके बाद पतला पतला रोल करके वो डो को इस तरीके से दे दिए हैं उसका सर का ऊपर मुकुट बनाने के लिए। फिर कुछ डिज़ाइन बना दिए हैं इस तरीके का एक वुडन काठी लेके, तो एक के बाद एक इस तरीके से लेयर देते जाएंगे और बहुत ही सिंपल है। तो मुझे दुर्गा पूजा के लिए कुछ बनाना था स्पेशल और वो टाइम मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा का बीच में ही हम ये बना चुके हैं ये वाला, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से डिज़ाइन को बनाए हैं सेम उसी तरीके से ड्रो को यूज़ करते जाएंगे। और इस तरीके का बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो होगा जो कि डो का मदद से इस तरीके का ड्राइंग करके और इस तरीके से डिज़ाइन दिए हैं डो का मदद से। तो वीडियो बहुत लॉन्ग है इसीलिए इसको थोड़ा स्पीड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को वीडियो थोड़ा जल्दी देखने में मिले और आप लोग बोर ना हो इस वीडियो देखते देखते, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिए हैं। और वीडियो को देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप इसका डिज़ाइन किस तरीके से बनाए हैं। तो इसी तरीके से अगर वीडियो को पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देखते रहिए किस तरीके से बनाते हैं। कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए, जब भी डो का कुछ भी काम करना हो तो हाथ में पहले कोई भी ऑयल हो या फिर कोई भी क्रीम वगैरह हो तो आप हाथ में पहले लगा लीजिए और उसके बाद इसको हाथ दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा रफ हो सकता है। तो इसीलिए आप पहले कोई भी क्रीम वगैरह लगा लीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिए। और ये बनाना बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करना है साथ ही साथ इसका काम करते जाना है, क्योंकि ये सूख जाता है थोड़े देर में। और जब आप सूखे का ऊपर आप जब काम करने जाते हो तब क्या हो जाता है, इसका जो डो है वो फटने शुरू हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन अगर देने चाहोगे इसके ऊपर तो इसीलिए इसका ऊपर थोड़ा पहले डिज़ाइन बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है ताकि वो प्लेन रहे, और उसके बाद आप इसका ऊपर कोई भी चीज़ से डिज़ाइन बना सकते हो।
से आज का जितना डिज़ाइन था वो बन के रेडी हो गया डो का। तो इसको हम लोग दिन में रख दिए थे और इसको जो कलर है वो बाद में करना शुरू किए थे कुछ से घंटे के बाद ही। तो पहले इसका जो चारों साइड है राउंड जो शेप है उस राउंड शेप पे जितना बाहर का साइड था उसको हम लोग रेड कलर से कलर कर दिए हैं, और जितना इसका मुकुट वाला चीज़ है इसको गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। और फेस को क्या करेंगे, फेस का जो कटिंग जो होता है येलो और ऑरेंज को मिक्स करके एक जो कलर बनता है वही कलर देंगे इस पर। थोड़ा बहुत मिरर अटैच करेंगे क्योंकि मिरर बिना ये बहुत ही सुना सुना लग रहा था, और ये दिवाली डेकोर के लिए लग भी नहीं रहा था क्योंकि नवरात्रि स्पेशल है और दिवाली डेकोर के लिए भी इसको हैंग कर सकते हो आप अपने गेट पे। तो इस तरीके के लिए डिज़ाइन के लिए इसमें थोड़ा मिरर अटैच किए ताकि इसका लुक एकदम इस तरीके का दिखे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।